नमस्ते बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद की आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 बंदर बांट, जो कि एक प्यारा सा मज़ेदार नाटक है जिसमें दो बिल्लियों और एक बंदर के बीच हो रही बातचीत को दिखाया गया है। तो आइए पहले इसे पढ़ लें। काली बिल्ली कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली भी कहती है, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली पूछती है, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली कहती है, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली कहती है, हाँ बहन आ तो मुझे भी रही है। तभी सफ़ेद बिल्ली कहती है, वो देखो मेज पर रोटी है, मन कर रहा है लपक लूँ पर डर लगता है। तो काली बिल्ली कहती है, तू डर मैं तो लेने चली। इतना कहकर काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती है। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है, मेरी रोटी मुझे दे। तो काली बिल्ली कहती है, तेरी रोटी, रोटी तेरी कैसे। तो सफ़ेद बिल्ली कहती है, तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। काली बिल्ली कहती है, नहीं रोटी मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली कहती है, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली कहती है, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश होता है। बंदर कहता है, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो, मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो, रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। बंदर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर आकर बैठ जाता है, बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बच्चों, इसके आगे का नाटक हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके बाद क्या होता है। आइए अब इस पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। पहला शब्द है महक, जिसका अर्थ है खुशबू। दूसरा शब्द है डर, जिसका अर्थ है भय। तीसरा शब्द है प्रवेश, जिसका अर्थ है आगमन। और आखिरी शब्द है फैसला, जिसका अर्थ है निर्णय। और आइए एक नज़र डालते हैं आज के अभ्यास कार्य पर, जिसमें पहला प्रश्न है, दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न है, दोनों बिल्लियों का रंग कैसा था। बच्चों, आज बताए गए शब्द अर्थ एवं अभ्यास कार्य में पूछे गए प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखकर उसका फोटो अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर भेजिएगा। अगले हफ्ते इस पाठ के अगले भाग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।